ओवर एक्टिव ब्लैडर आज के समय में काफी कॉमन है, जिसमें यूरिन लीक इन अडल्ट में हो जाती है। यह आमतौर पे ओल्ड एज में देखा जाता है। तो आज हमें ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के बारे में देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य गुप्ता फ्रॉम अहमदाबाद बताएंगे कि ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस को कैसे करें मैनेज और कंट्रोल। वेलकम डॉक्टर आदित्य गुप्ता, मेरा सवाल है कि ओएबी के लक्षण क्या है? सो ओएबी में क्या होगा, टिपिकल पेशेंट कंप्लेन कैसे करता है कि उनको यूरिन बार बार जाना पड़ता है। जो पेशाब की थैली होती है यूरिनरी ब्लैडर, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी इज अराउंड 300 to 500 ml। सो एट अराउंड 150 to 200 ml आपका यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा फुल होगा, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। यूरिन होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनका पेशाब ऐसे ही निकल जाता है इन देयर अंडरगारमेंट्स। सो ये प्रॉब्लम है एंड बिलीव मी ये इतना सीरियस कई पेशेंट्स में हो जाता है कि उनकी सोशल लाइफ गेट्स हैम्पर्ड। मेरा सवाल है कि क्या ओएबी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है? सो मैम, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने मुझे बताया कि उसकी मदर इन लॉ गुजरात के एक गांव में रहती थी और वो उनके घर पे अहमदाबाद में विजिट नहीं कर रही थी। बिकॉज ऑफ दैट दे वर हैविंग थॉट्स कि क्या उनकी और उनकी मदर इन लॉ के बीच में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। एंड दिस हैपेंड, दिस वेंट ऑन फॉर 2-3 ईयर्स। फिर जाके पता चला द ओनली सिंपल रीजन वॉज उसकी मदर इन लॉ वॉज नॉट कम्फर्टेबल, बिकॉज उनको यूरिन हर थोड़ी देर में जाना पड़ता है। वो ट्रेवलिंग के टाइम पे बस या कार में अगर आते हैं तो को बार बार यूरिन के लिए रुकना पड़ता है। सो इसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाता है विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि पेशेंट अपना सोशल लाइफ ही बंद कर देता है। मेरा सवाल है कि ओएबी कितना आम है? सो ओवर एक्टिव ब्लैडर इन इंडिया मेल्स एंड फीमेल्स में इट इज अप्रोक्सीमेटली 15-25% कॉमन है, विच इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एज। एंड अगर आपको और कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज है, If you have any addiction, smoking, alcohol, तो वो percentage काफी बढ़ जाता है। Females में probability is more, males में probability is a bit less. मेरा सवाल है कि overactive bladder का क्या कारण है? तो इसके लिए मैम अपन पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ब्लैडर समझेंगे। जो पेशाब की थैली होती है यूरिनरी ब्लैडर, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी इज अराउंड 300 to 500 ml। एट अराउंड 150 to 200 ml आपका यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा फुल होगा एंड इट विल सेंड इम्पल्सिस टू योर ब्रेन। सो दिस इज हाउ अवर नॉर्मल फिजियोलॉजी वर्क्स। इन ओवर एक्टिव ब्लैडर व्हाट हैपेंस इज, जो यूरिनरी ब्लैडर के जो नर्व्स है वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इवन एट 100 ml 150 ml वो पेशाब की थैली ब्रेन को इतनी जोर से इम्पल्स भेजती है कि मुझे तो यूरिन करना ही पड़ेगा वरना मेरा यूरिन निकल जाएगा। तो इसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। मेरा सवाल है कि ओएबी क्या है? ओएबी मतलब ओवर एक्टिव ब्लैडर। इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल। नॉर्मल आदमी को 3-4 आवर्स में यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है। ओएबी में उनको फ्रीक्वेंटली यूरिन जाना पड़ता है। नॉर्मल आदमी या औरत अपनी यूरिन होल्ड कर सकती है। ओएबी में उनको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। जब भी उनको यूरिन लगती है तब उनको इमरजेंसी भागना पड़ता है। कई लोगों में यूरिन निकल भी जाता है। इट ऑफन रिमेन्स मिसडायग्नोस्ड और अनडायग्नोस्ड। पेशेंट अक्सर उस चीज के लिए जाता है, उनका यूरिन रूटीन माइक्रो का कुछ एग्जामिनेशन होगा, पस सेल पॉजिटिव आ जाएंगे विच इज वेरी कॉमन बाय और देन दैट पेशेंट गेट्स ट्रीटेड फॉर यूटीआई, बट स्टिल वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट यूटीआई, इट इज ओएबी, ओवर एक्टिव ब्लैडर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर गुड हेल्थ। मेरा सवाल है कि ओएबी के लक्षण क्या है? सो ओएबी में क्या होगा, टिपिकल पेशेंट कंप्लेन कैसे करता है कि उनको यूरिन बार बार जाना पड़ता है। जो पेशाब की थैली होती है यूरिनरी ब्लैडर, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी इज अराउंड 300 to 500 ml। सो एट अराउंड 150 to 200 ml आपका यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा फुल होगा, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। यूरिन होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनका पेशाब ऐसे ही निकल जाता है इन देयर अंडरगारमेंट्स। सो ये प्रॉब्लम है एंड बिलीव मी ये इतना सीरियस कई पेशेंट्स में हो जाता है कि उनकी सोशल लाइफ गेट्स हैम्पर्ड। मेरा सवाल है कि क्या ओएबी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है? सो मैम, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने मुझे बताया कि उसकी मदर इन लॉ गुजरात के एक गांव में रहती थी और वो उनके घर पे अहमदाबाद में विजिट नहीं कर रही थी। बिकॉज ऑफ दैट दे वर हैविंग थॉट्स कि क्या उनकी और उनकी मदर इन लॉ के बीच में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। एंड दिस हैपेंड, दिस वेंट ऑन फॉर 2-3 ईयर्स। फिर जाके पता चला द ओनली सिंपल रीजन वॉज उसकी मदर इन लॉ वॉज नॉट कम्फर्टेबल, बिकॉज उनको यूरिन हर थोड़ी देर में जाना पड़ता है। वो ट्रेवलिंग के टाइम पे बस या कार में अगर आते हैं तो उनको बार बार यूरिन के लिए रुकना पड़ता है। सो इसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाता है विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि पेशेंट अपना सोशल लाइफ ही बंद कर देता है। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर गुड हेल्थ।